नमस्कार 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 सर, आपका सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी, वातावरण और अपनी सुरक्षा के बारे में सीखना है। मैंगलोर से 200 किलोमीटर दूर कन्नूर से गुजरते NH-17 पर एक खुशहाल गांव था। इस गांव के बच्चे बहुत शैतान थे, मगर पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। और इन शैतानों की टोली का लीडर था गौरव, जो हर रोज टाइम से पहले स्कूल पहुंचता तो था, लेकिन घूमता हुआ लेट वापस आता। उस रात वो घर से रफू चक्कर होके बरसात में मस्ती करने निकला, लेकिन बरसात की उस रात ने गौरव का मानो बचपन ही छीन लिया। उसकी नन्ही आंखों के सामने हुआ एक भयानक हादसा। ड्राइवर राजू, जो सालों से LPG ट्रक उसी हाईवे पे चला रहा था, राजू खराब मौसम के बावजूद स्पीड में LPG ट्रक चलाता आ रहा था। वो चाला जंक्शन से गुजर ही रहा था कि बारिश और ओवर स्पीडिंग की वजह से उसे रोड डिवाइडर दिख नहीं पाया। ब्रेक मारने के बावजूद भी ट्रक स्केट करता हुआ डिवाइडर में जा भिड़ा और LPG टैंक ट्रक में लगे हुए पिन के टूटने से LPG बुलेट टैंक प्राइम मूवर से अलग हो गया। LPG के लीक होने की वजह से गैस का घना बादल बनने लगा, जो लगातार 20 मिनट तक फैलता रहा। जख्मी राजू गांव वालों को चेतावनी देने भागा और ये सब देखते हुए घबराया हुआ गौरव अपने घर की तरफ भागने लगा। मगर गौरव के पहुंचने से पहले ही हुए एक के बाद एक धमाके, जिन्होंने आसपास के घरों को आग में झोंक दिया। इस हादसे का मुख्य कारण था ओवर स्पीडिंग की वजह से राजू को साफ ना दिख पाना और डिवाइडर पे ग्लो साइन का ना होना। इन छोटी गलतियों ने गौरव और उसके गांव के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। सदमे में डूबा हुआ गौरव अपने परिवार के ही नहीं बल्कि अपने गांव के भी 20 लोग गवा बैठा और लगभग 40 लोग रहे। शिद पहुंचिए ताकि हर घर का गौरव सुरक्षित रहे।